नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल समाप्त हुई। करीब 15 महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक के द्वारा आमने सामने हुए। बैठक की शुरुआत होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने गुलदस्ता देकर अमित शाह का स्वागत किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, सरकारी बैठक है, किसी भी तरह की कयासबाजी की आवश्यकता नहीं है। रविवार को पत्रकारों से ये बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद है, उनसे अब हम लोग कभी भी हाथ नहीं मिला सकते। वहीं केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब किसी भी राज्य को अब ये नहीं मिलता है, विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है, केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए बिहार सरकार केंद्र पर ठिकड़ा ना फोड़े। गौरतलब है कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान जारी कर कहा था कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, बिहार में महागठबंधन एकजुट है। जेडीयू प्रवक्ता ने केंद्र पर हमला करते हुए यह भी कहा कि विशेष पैकेज का पैसा पूरा नहीं मिलता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने वादे को पूरा करें। बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम से आमने सामने हुए, राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया और अटकलेबाजी शुरू हो गई। ऐसे में तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे, क्या नीतीश कुमार कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नजर आएंगे या फिर एनडीए में शामिल होंगे। ऐसे में साफ तौर पे उनके पार्टी प्रतिपक्ष का कहना है कि एनडीए के लिए जो है वो नीतीश कुमार नहीं है और साफ तौर पे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि ये एक सरकारी बैठक थी और इस बैठक में आमना सामना होना लाजमी था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।